ओम वंदे गौमातर। मित्रों फेसबुक बहुत सी ऐसी साइट हैं जहां लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं और फिर उनसे मित्रता बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग फेमस होते हैं, उनसे भी लोग मित्रता करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जिनसे हम जो उनके फ़ैन होते हैं वही सोचते हैं कि हम अपने जिसको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, उनसे कुछ जानकारी ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, हम उनके लिए खास हो जाएं, अर्थात वो हमसे विशेष मित्रता करें। मित्रों एक बात बता दूं, इस संसार में जितने लोग फेमस हैं, बड़े बड़े कलाकार भी हैं, बड़े बड़े संगीतकार भी हैं, बहुत से लोग हैं, हम किसी को गिनती नहीं गिनवा रहे हैं, उनके फैंस बहुत सारे होते हैं, उनको चाहने वाले बहुत सारे होते हैं और जो उनको चाहने वाले होते हैं, यदि हर कोई उसमें 1% भी चाहने लग जाए कि हम जिसको चाहते हैं, मतलब वो उनके लिए खास हो जाएं, इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि आपको लगता है कि आप उनके लिए विशेष बनना चाहते हैं पर उनके पास आपके जैसों की भीड़ लगी हुई है, तो बताइए किसको आपकी तरह विशेष बना दें या किसको विशेष बना लें। क्योंकि हम एक ही बात कहते हैं, कोई शेष नहीं, कोई विशेष नहीं, सब समान। क्यों? समानता ही जीवन है। और हाँ, कोई मेरे घर का नहीं, कोई पराया नहीं। ऐसे ही जो लोग फेमस होते हैं उनके कोई घर का नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, सब अपने होते हैं, बस यही उनका सिलसिला होता है। और मित्रों आप जिस व्यक्ति से जिस कारण जुड़े हैं, वो व्यक्ति आपको कुछ सिखाता है, कुछ दिखाता है, जो भी करता है, तो आपको उस क्षेत्र में यदि कुछ जानकारी मिलती है और सही ज्ञान मिलता है तो आपको लेना चाहिए। लेकिन आप करते क्या हैं? यदि कोई आपको आपकी भावनाओं को, आपकी जो बातें हैं उनको अस्वीकार करके आपको सही आईना दिखाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है ऐसे कि आपको सही आईना दिख जाए, आप अपनी धरातल पर आ जाएं, तो आपको बुरा लग जाता है, आपका दिल टूट जाता है। क्योंकि ऐसी बातें मैं भी कई बार पढ़ती हूँ, हमारा दिल तोड़ दिया आपने। क्योंकि परसों के दिन में मैंने ये बात, कल की मैंने चैट चेक नहीं की थी, तो परसों की चैट में मैंने ये बात कम से कम 8 लोगों से पढ़ी है कि आपने हमारा दिल तोड़ दिया। और ये मैं बहुत समय से पढ़ती चली आ रही हूँ। भाई हम कितनों का दिल तोड़ देते हैं, पर हमारी व्यवस्था आप समझिए। हाँ, आप हमारे लिए हमसे मित्रता करना चाहते हैं, पर आप जैसे कितने लोग हमसे मित्रता करना चाहते हैं? हम किस किस से मित्रता करें? और हमारे पास चैटिंग का समय नहीं होता। आप सोचो हम खाना खाए हम आपको जवाब दें, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता। पर आप सोचते कि अरे आप हमसे विशेष बात करो, नहीं संभव होता। और फिर भी यदि आप कोशिश करते हैं, जिद करते हैं, तो हम आपको यही कह सकते हैं कि भाई आप हमारे लिए खास नहीं, जैसे सब हैं, हमारे दर्शक सब समान होते हैं, पर आपको लगता है कि आप विशेष बनाना चाहते हैं, फिर आप कहते हैं दिल टूट गया हमारा। दिल आपका टूटेगा, क्योंकि यदि आपने संबंध ऐसा जोड़ा है तो आपका दिल टूटेगा ही। क्योंकि मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, मैं अपनी ही बात करूं तो बहुत से लोग जुड़े हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसी बातें जब करते हैं तो मैं एक ही बात कहती हूं, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। क्यों? क्योंकि यदि आप अपने वाहियतपने के साथ, अपनी वासना के साथ मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो क्षमा करिएगा, मेरे पास आपके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आप उस योग्य ही नहीं हैं। हाँ, जिसको जानकारी चाहिए होती, जिससे जानकारी चाहिए होती, उसके सामने सर झुका के आते हैं लोग। और ये हमने अक्सर, हमारी गुरु शिष्य परंपरा वही सिखाती है, यदि आपको शिक्षा लेनी है, कुछ सीखना है, तो आपको सर झुकाना ही चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि हमें ऊपर बिठाया जाए, हमें कुछ अलग से कुछ समझा जाए, तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ कुछ सीख नहीं सकते। आप अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं, आप अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। यदि आप वर्चस्व के साथ जाएंगे तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। हाँ, आप मुँह के बल अवश्य गिरेंगे। और हमारे बहुत से दर्शक ऐसी टिप्पणियां करते हैं, तो आज एक विषय सामने आया, मैं कहा चलो इस विषय पर भी आपको कुछ बातें बता दी जाएं। और हाँ, ये वीडियो यदि आप ऐसे हैं तो आपको लगेगा कि मेरे लिए बनाया है, आपने लिखा हो तो आपको लगेगा मेरे लिए बनाया। हाँ, हमने ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया जो ऐसी सोच रखते हैं। मेहरबानी करके, कृपा करके, हम पर नहीं अपने ऊपर कृपा करिए, क्योंकि आप दिल से काशिक हैं। आपका दिल बहुत बार टूटता है और हर बार आप 2-4 दिन उदास रहते हैं, क्योंकि आपका यदि दिल इतना गहराई से टूटता तो फिर आप दूसरी बार दिल फेंकते ही नहीं। इस तरह आप दिल से काशिक है, इसलिए बार बार दिल फेंकते रहते और टूटता रहता है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप दिखावा ऐसा करते जैसे आपके साथ बहुत बड़ा अनर्थ किसी ने कर दिया हो, क्योंकि अब हम आपसे नहीं जुड़ेंगे। मत जुड़िए, आपकी इच्छा है। हम आपको जबरदस्ती नहीं करते हैं, हम आपको निमंत्रण नहीं देते हैं। आपको अच्छा लगता है, यदि आपको मेरा ज्ञान अच्छा नहीं लगता तो मत जुड़िए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उनको फॉलो करिए, पर मेहरबानी करके आप यदि ये सोचते हैं आप कुछ विशेष बन सकते हैं, आप विशेष हैं, पर वो आप अपने कर्मों से अपने अपनों के सामने विशेष बन सकते हैं। कि मेरे पास भी मेरे अपने हैं, मेरे अपना बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा ग्रुप है, मेरे स्कूल का, मेरे कॉलेज का, मेरे आसपास का सब हैं।
अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो दिया था, जस्सू की चोटी सीधी कैसे, बच्चों जस्सू की चोटी कुछ ऐसा ही टॉपिक मैंने दिया था। मेरे पड़ोसी का बच्चा है, जैसे आपके घर के पास आपका पड़ोसी रहता है ना, वैसे मेरा पड़ोसी भी मेरे घर में आके वैसे ही मेरा बच्चा खेलता है जैसे आपके पड़ोसी का बच्चा आपके घर में खेलता है। कोई अलग नहीं है, पर हाँ आप मेरे पड़ोस में नहीं हैं, वरना आपका बच्चा भी मेरे घर में वैसे ही खेल रहा होता। इसलिए मेरा सर्कल मेरे पास है, आप अपने सर्कल में जुड़िए। हाँ, समस्याएं हमसे समाधान मांगिए, हम आपको समाधान बताएंगे। लेकिन आप सोचिएगा आप मेरी लाइफ में पर्सनली इंटरफेयर करेंगे या मैं आपको कुछ विशेष, तो भाई मेरे लिए उतना संभव नहीं होता है कि मेरे पास उतना समय नहीं होता। और हाँ, मैं अपने दर्शकों की सवालों के जो उत्तर हैं वो खुद देती हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ इंसाफ करना चाहती हूँ, क्योंकि वो प्रश्न मुझसे करते हैं और मैं किसी और को ये बात सौंप दूँ, मैं असिस्टेंट भी रख सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, पर उनको सौंप दूँ तो परिणाम क्या आएगा इसका? परिणाम इतना ही आएगा कि उनके साथ कहीं कुछ छलावा हो जाएगा और मैं वो छलावा नहीं कर सकती। इसलिए मुझे कमेंट रिप्लाई करने में कम से कम दिन के 4 घंटे लगते हैं। उस पर आप सोचे कि मैं चैटिंग करूं, नहीं संभव होता। मैं आपको 4थी 5वीं बार ये बात इस वीडियो में कह रही हूं। आशा आप मेरी बातों को समझेंगे और आगे से आप अपने आप को सही दिशा में बढ़ाएंगे। वासना नहीं संबंध जोड़िए, वासना से जुड़ेंगे तो टूटेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।